फिर दोबारा हम अशोक शर्मा और उनके साथियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि मयूर नृत्य भी होगा, चरकुला भी होगा और लठमार होली भी होगी। तो वही हमारे साथी अशोक जी के, मैं उनका दोबारा से तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जिनको हम बड़े अच्छी तरह से देख रहे हैं, उपाध्याय जी अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं, आप इसका आनंद लेंगे। एक जानकारी और, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य श्री हिरियम नारायण शर्मा हमारे बीच में है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं उनको हिरियम भाई साहब बोलता हूँ, लेकिन उनका बहुत हमारे ऊपर कृपा है उनकी। इस कार्यक्रम के अंदर आप सभी खो जाएंगे ब्रज में। अशोक जी, अब मंच आपके हवाले है। और इस सब का सारा श्रेय इस ब्रज की जितनी भी सुगंध यहाँ से लेकर और देशों विदेशों तक जो पहुंच रही है, उसका श्रेय श्री राम मोहन जी को है। उनकी ही देन है कि जो इन्होंने आज इस ब्रज की संस्कृति को यहाँ से और कहाँ तक पहुंचा दिया। तो भैया, इसका श्रेय तो ठाकुर जी को, परम प्रिय श्री राम मोहन जी का श्रेय है कि उन्होंने संस्कृति को बचाए रखा और आज भी निरंतर प्रयास में इसी में रहते हैं। तो एक बार सभी को मेरी तरफ से, ब्रज भूमि की तरफ से सभी को राधे राधे है, और ऐसे ही ब्रज की लीलाओं का आप लोग आनंद लेते रहे। राधे राधे, गिरिराज महाराज की, पूछरी के लौठा की जय हो। श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। ऐसे ही जरा दोनों हाथ उठा के
गांधी बिहारी लाल जी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ
कुछ तो ना है क्या, भरा हुआ कुछ तो ना है क्या, भरा हुआ कुछ तो ना है। कहीं गाली तेरी आंखों में, Yeah.
चरकुला, इतने दीपों इतना बोझ इसके अंदर है, इतना वजन इसके अंदर है, एक को तो खोल दे। और इतने दीप जल रहे हैं, इसको उठाना ही बहुत, इसके साथ नृत्य कर रहे हैं हमारे कलाकार, जरा इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। अरे होरी होरी वैसी होरी, और रोजी रोजी नहीं आवे, और जो काला संग होरी खेले गुरी, तो जन्म सफल है जावे। के बरसानी अचानक श्याम गए, और भर लाए गुलाल की सुंदर झोरी, लख पुंजल में वृषभान सुता, ये झोरी मनोहर ने धीरे से खोली। आत्मान सृजाम्यहम् पर
संताय चरुष्कृता धर्म संताय संभव युगे युगे दो मिनट के लिए आप सभी मेरे साथ ये कीर्तन गुनगुनाएं जो परम आनंद है प्रभु का लावण्य में कीर्तन है दो मिनट के लिए जरा ताली बजा दी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी अशोक जी उपाध्याय जी आप सभी को इन कलाकारों के लिए जरा जोर से एक बार तालियां बजा दीजिए शायद उनका उत्साह बढ़ेगा। जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो मुझे मैं तो ब्रज में चला गया और मैं देख रहा था कि जो आप दर्शक लोगों को श्रोताओं को वो सब भी ब्रज में खो गए थे, इतना आनंद आप लोग ले रहे थे। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से ऐसे श्रोता जिस कार्यक्रम में हो उस कार्यक्रम के अंदर चार चांद लग जाते हैं और चार चांद लगाने वाले आप लोग हैं।